I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Hey guys, this is Sonam and once again welcome back to another new blog. तो अभी हम जा रहे हैं प्रीमरोज व्यू पॉइंट है जो कि ना रेजेंट पार्क के बिल्कुल पास में है और अभी हम गेट के पास ऑलरेडी पहुंच गए और अभी हमें यहां से ना वॉक करके ऊपर हिल के तरफ जाना है और ऊपर से ना बहुत ही अच्छा व्यू दिखने वाला है। तो चलिए हम आपको भी दिखाते हैं और ऊपर से व्यू देखते हैं कि कैसा व्यू दिखता है। हम भी एक्चुअली फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है आकर क्योंकि शाम का टाइम है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंड लग रही है। तो अभी यहाँ से ना कितना ऑलमोस्ट 20 मिनट लगेगा हिल के ऊपर जाने में। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. तो गाइज ये जो पार्क आपको दिख रहा है ना, इस पार्क का नाम है प्रीमरोज हिल और अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं जो कि अभी ऊपर है। और ये देखिए इधर से भी एक एंट्री गेट है और यहाँ पे ये देखिए मैप लगाया हुआ है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आपको लोकेशन एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। तो हमें कहाँ जाना है ये देखिए प्रीमरोज हिल है ना, हम लोग अभी यहाँ हैं और यहाँ हमें जाना है। तो बस अभी चलते हैं और मुझे लग रहा है बस थोड़ा सा आगे वॉक करके जाएंगे ना तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पार्क बहुत बड़ा है, ये भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गाइज हमें ना अभी इस साइड से जाना है, यहाँ पे ना तीन रास्ता आपको दिख रहा होगा 1 2 3, बट हमें ना इस रास्ते से जाना है और इस रास्ते से बस ऊपर चलते हुए जाना है और बस हम व्यू पॉइंट पर पहुँच जाएँगे। तो चलिए सबसे पहले व्यू पॉइंट पर चलते हैं। हे गाइस, तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट जो व्यू पॉइंट है ना ऊपर में पहुंचने वाले हैं और यहां से ना बहुत ही खूबसूरत लंदन का व्यू दिखने वाला है जो कि हम आपको दिखाएंगे। तो बस ब्लॉग में बने रहिए और देखिए। हे गाइस, तो अभी हम यहाँ प्रीमरोज हिल के व्यूइंग पॉइंट पे आ गए हैं और यहाँ से ना आप मेरे पीछे देख सकते हैं ब्यूटीफुल लंदन का नज़ारा आपको पूरा देखने को मिलेगा। और अभी हम थोड़ा सा हट के वीडियो बना रहे हैं ना क्योंकि वहाँ पे लोग म्यूज़िक प्ले किए हुए हैं तो कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए हम थोड़ा साइड में आकर के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और वहाँ 360 डिग्री का ना ये जो सीन है ना इसका हम पूरा आपको टूर देंगे। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे BT टावर, लंदन आई सर्ड, मतलब कि जो जो आपको ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग है ना वो सारी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी और बहुत अच्छा व्यू है। और हाँ, जो स्पेशली जो मेन पॉइंट ये है ना कि जो न्यू ईयर के टाइम में जो यहाँ पे फायरवर्क्स होता है ना और बहुत सारे लोग यहाँ पे टिकट नहीं बाय कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है, तो उस टाइम में ना लोग यहाँ पे भी आकर के और यहाँ से व्यू का नज़ारा लेते हैं और यहाँ से ना पूरा दिखता है क्योंकि लंदन आई भी यहाँ से दिख रहा है। तो चलिए आपको पास में ले जा कर के दिखाते हैं। और हवा बहुत तेज़ चल रही है और ऊपर से अभी तो हम जहाँ है ना वो टॉप पर है तो यहाँ तो हवा ऑफकोर्स बहुत तेज़ी लग रही है। तो चलिए आप भी देखिए हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लग रहा है ये। I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. और गाइज इनको देखिए, ये ना यहाँ पे बैठने को ही रेडी नहीं, इसको बस घूमना है। और ये देखिए फिर से उठ गया और बस इसको घूमना है। तो गाइज ये देखिए सामने लंदन आई, फिर ये BT टावर है, सामने सेंट पॉल कैथेड्रल है और ये देखिए यहाँ पे सार्ड है और इसके बगल में ना स्काई गार्डन है और उसके बगल में जो सबसे ऊंचे वाली बिल्डिंग ये जो आपको दिख रही है ना ये है 22 बिशप गेट। और ये जो भी सारे आपको बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ना ये लंदन के मोस्ट आइकनिक्स बिल्डिंग है जो कि आपको एक जगह से ना दिखने को मिल रहा है और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है और सारे के सारे मोस्ट आइकनिक बिल्डिंग आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad.
तो गाइज ये देखिए यहाँ पे ना एक छोटा सा मैप दिया हुआ है, अगर आपको बिल्डिंग पहचानने में और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पीछे क्या क्या है तो आप यहाँ से देख करके समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए वहाँ पे लिखा हुआ वेस्टमिंस्टर कैथेड्रल जो कि वो रहा, और बीटी टावर भी, और इस सबका ना हाइट भी दिया हुआ कि कितने हाइट पे सब कुछ है, और वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस भी आपको दिख रहा होगा जो कि लंडन आई के जस्ट बगल में है। तो सारा का सारा डायरेक्शन दिया होगा, हम आपको एक बार मैप को दिखा देंगे, आप मैप भी देख करके समझ जाएंगे अच्छे से। और यहाँ पे जैसे मैंने 60 बताया, तो 60 जो है 32 लंडन ब्रिज है जो कि 310 मीटर है और 2012 में बनाया गया है। तो ये ना सारे डिटेलिंग यहाँ भी की हुई है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये छोटा सा मैप का मैं एक फ़ोटो या वीडियो डाल दूंगी, आप वहाँ से देख करके समझ लेंगे। और रहा इस साइड ना पूरा लंडन का व्यू है, और इस साइड वैसे देखिए तो कुछ भी नहीं है, बस पार्क है, और इधर ना तो अलग ही व्यू दिख रहा है क्योंकि प्लांट है ना बहुत सारा, तो प्लांट से पूरा घिर रखा है। तो बस यही है यहाँ का व्यूइंग पॉइंट, बस हम यहाँ पर थोड़ा सा बस फोटो वीडियो वही बनाएंगे और थोड़ा देर बैठेंगे क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, और इसके बाद में फिर घर जाएंगे। तो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग आप कौन सा देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और गाइज ये देखिए अभी शाम हो चुका है और हम लोग ना वापस घर जा रहे हैं। घर जाने के लिए सेम डायरेक्शन है, नहीं हम लोग आए हैं ना उस साइड से, दूसरी तरफ से, लेकिन अभी हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं। जाना वही है जहाँ से हम एंट्री लिए थे ना, वहीं से हमको एग्जिट भी करना है, और वहाँ आगे चल करके वहाँ पर ट्यूब स्टेशन आ जाएगा, फिर हम वहाँ से अपनी ट्यूब ले करके जाएंगे। गाइस तो अभी हम पार्क के बाहर निकल गए हैं, पार्क में हाँ वो जो हिल पे गए थे ना वहाँ से अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। और ये देखिए मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर सुंदर बिल्डिंग है क्योंकि देखने में ना बहुत खूबसूरत लगेगा। पता नहीं वीडियो में आपको कैसा दिख रहा है बट सामने से व्यू बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। और ये ना थोड़ा सा हिल है, मतलब ये जो रास्ता है ना वो इक्वल नहीं है, अभी थोड़ा ऊपर हम लोग जा रहे हैं फिर अभी नीचे जाएंगे, और अभी 5 मिनट्स बस वॉकिंग है फिर स्टेशन आ जाएगा। और बस से भी रास्ता है एक्चुअली, लेकिन बस से जाएंगे ना तो 1.5 आवर लगेगा, और ट्यूब स्टेशन से बस 1/2 आवर लगेगा। ये देखिए मैं बैक कैमरा ऑन करके आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और गाइस ये देखिए चलते चलते ना एक बहुत अच्छी चीज़ मिली, मुझे पता नहीं था, मेरे हस्बैंड ने बताया ना, ये ओल्ड एज हाउस है, मतलब कि वृद्ध आश्रम आप सिंपल वर्ड में समझ जाइए। और यहाँ पे ना ये देखिए यहाँ पे कितना ये लोग मेंटेन करके रखे हुए हैं, और अंदर में ना उन लोगों को बहुत सारी ना टोटल फैसिलिटी दी जाती है, बहुत अच्छे से वो लोग टेक केयर करते हैं इन लोगों का। और ये देखिए बाबू को, ये सोने का तैयारी कर रहा है।
हे गाइस, तो अभी हम घर पे आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock हो रहा है और अभी भी आप देखिए धूप निकला हुआ, अभी बिल्डिंग पे भी आपको लाइट दिख रहा होगा और अभी आधा घंटा के बाद ही ना जाकर के डार्क होगा। तो ये यहाँ पे अंधेरा लेट से होता है, तो आप लेट नाइट तक घूम सकते हैं और 10 बजे तक भी आप आराम से घूम सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी घर पे आ गए हैं। ये समर में ये बेनिफिट है, तो अभी हम लोग ज्यादातर ट्राई कर रहे हैं कि जहां जहां नहीं गए वहां पे कवर कर ले जा करके, क्योंकि 2 महीने बाद जब विंटर आएगा ना तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि 3 o'clock ना डार्क हो जाता है, तो आपको बहुत मॉर्निंग निकलना होता है और 3 o'clock के पहले घर पे आ जाना होता है, क्योंकि फिर अंधेरा में उतना घूमने का मजा नहीं आता है। तो अभी समर चल रहा है ना, बेस्ट टाइम है अगर लंदन एक्सप्लोर करना है तो अभी घर पे आ गए हैं। अभी हम अब मेरा कॉफी रेडी है, बनाने के लिए डाल दिए हैं, बहुत थक गए हैं क्योंकि आप पता है आपको चलना बहुत ज्यादा होता है तो थक जाता है आदमी, और हम 3 o'clock यहाँ से निकले तो 9 o'clock आ रहे हैं, क्योंकि इसीलिए इतना लेट से भी निकले और अभी भी देखिए अंधेरा नहीं हुआ है। 1 घंटे और भी घूम सकते थे, लेकिन जहां जहां हमें जाना था ना वहां अच्छे से कवर हो गया है। एंड आई होप आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा और स्पेशली आपको प्रिमरोज हिल जो है ना वो आपको पसंद आया होगा, उसका जो व्यूइंग पॉइंट है ना टॉप पे वो आपको देखते बहुत मजा आया हो, क्योंकि वहां से ना सेंट्रल लंदन का ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू वहां से दिखता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पे भी जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है सोनम स्वराज 95 एंड बाबू का आईडी आई एम शौर्य पांडे। तो मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।